नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माधुरी सिलाई क्लासेस में। आज हम बैग डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये देखिए, हमने कपड़ा ले लिया, बिस्कोस से क्रॉस कटिंग करके डेढ़ डेढ़ इंच की जितनी हम क्रॉस पट्टी काट लेंगे। ये हमने क्रॉस पट्टी काट ली है, अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। ये इस तरीके से हमने डोरी बना दी है। हमने ये सुई को सिंगल कपड़े में डाला है। इस सिंगल कपड़े में डाल के इस सुई को हमने उल्टा डाला। ये इस तरीके से सुई को हम पूरा बाहर निकाल लेंगे। देखिए, ऐसे फोल्ड करके ये हमने सुई को बाहर निकाल ली है। अब हम अंगूठे की हेल्प से इसको धीरे धीरे खींचेंगे। ये देखिए, ये हमारे अंगूठे की हेल्प से धीरे धीरे आराम आराम से खींचेंगे ताकि हमारा धागा बीच में टूट ना जाए। ये हमने डोरी बना ली है। हमारे इस तरीके से देखिए, हमने डोरी बना ली। हमें ये नेक लेंगे, डेढ़ डेढ़ इंच का हम निशान लगाएंगे गोल। ये हमने डेढ़ डेढ़ इंच का निशान लगाया गोलाई में इस नेक के ऊपर। अब हम इस डोरी को इस निशान के बराबर नाप के देखेंगे। ये देखिए, हमने इस डोरी नेक के बराबर हमने इस डोरी को नाप के देखा है। अब इस हिसाब से हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। अब सेम यही साइज के हमें सारी डोरी को कट कर लेना है। अब हम शोल्डर में दबाने के लिए एक इंच का निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा। एक इंच छोड़ के इस डोरी को हम लगाएंगे इस तरीके से डबल फोल्ड करके। इसे हम इस तरीके से सारी डोरी हमें इसी साइज की काट लेनी है। पहले से काट के रखनी है। सारी डोरी हमने काट ली है। अभी स्नेक में हम लगाएंगे, इसको ऐसे डबल फोल्ड करके स्नेक के हम लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ हमें इसकी नोक के ऊपर सिलाई करनी है। इस गले की किनोर के ऊपर हमें यहाँ से सिलाई करनी है। ये इसी तरीके से हम लगाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के इस तरीके से लगाते रहेंगे। इस लाइन के बराबर लगाते रहेंगे। इस लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए ताकि हमारी डोरी ये डिज़ाइन ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए इस लाइन के बराबर लगाना। देखिए, इस लाइन के बराबर हम लगाएंगे। ये हमने इस तरीके से लगाई है। गोलाई का हमें खास ध्यान रखना है। जहाँ गोलाई आती है
इस तरीके से हम गोल तरीके से ही लगाएंगे इस डोरी को। ये हमें गोलाई का खास सीधा ध्यान रखना है। ये हमारे लग के पूरे गले में तैयार हो गई है। देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन है बना। अब हम क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे जो हमने पहले से काट के रखी है 1.5 इंच जितनी। अब इस गले के ऊपर लगा के हम आधा इंच जितनी सिलाई कर लेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है। ये देखिए इस तरीके आधा इंच जितनी हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई हो गई हमारी। अब हम इसमें कट लगाएंगे। ध्यान रखिए हमारी सिलाई ना कटे। इसे कट लगाएंगे। इस क्रॉस पट्टी के किनोर पे हम सिलाई कर देंगे दाब सिलाई। ये हमारी दाब सिलाई हो चुकी है। अब हम इस तरीके से इसको उसे फोल्ड करेंगे। देखिए एकदम फिनिशिंग से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए ये हमारा फोल्ड हो गया। अब इस पट्टी को हम पूरी अंदर डाल देंगे इस तरीके से। इसको ऐसे दबाते रहेंगे। देखिए ये इसे हमारे आराम से दबा दबा के इस किनोर पे सिलाई करेंगे गले के किनोर पे। ये से देखिए आराम से एक 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 दबा के हम इस तरीके से इसे सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारे पूरे दब जाने चाहिए। अब हम इस पे ये लेस लगाएंगे। ये लेस लगाने से हमारा डिजाइन और भी सुंदर बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आराम से हम ये लेस लग चुकी है। ये हमारी अब हम इसमें मोती लगाएंगे। ये देखिए कैसे लगाते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से नीचे से हम सुई निकालेंगे। सुई के अंदर मोती डालेंगे। वापस इसको इस कपड़े के साथ में नीचे से वापस सुई निकाल देंगे। ये इस तरीके से मोती लगाना बता रहे हैं आपको। वापस से हम सुई निकालेंगे। इस मोती के अंदर ये सुई डालेंगे फिर वापस इस कपड़े के नीचे से निकाल देंगे। इसी तरीके से सारे में हमें इस मोती को ऐसे लगा लेना है। देखिए सब नेक में ऐसी तरीके से हमें ये मोती लगा लेना है। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।